सोरायसिस क्रॉनिक स्किन डिजीज है जो किसी को भी हो सकता है। स्कैल्प, हाथ, पैर के साथ कई बार ये पूरे शरीर में भी हो जाता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखकर और घरेलू उपचार से इसे रोका जा सकता है। सोरायसिस में स्किन पर लाल चकत्ते से पड़ने लगते हैं, साथ ही इसमें जलन या खुजली भी होने लगती है। स्किन में इतना रूखापन आ जाता है कि स्किन पर पपड़ी सी पड़ने लगती है। आमतौर पर ये बीमारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जेनेटिक रीजन, हमेशा स्ट्रेस में होना, शराब और सिगरेट का बहुत ज्यादा यूज करना, कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण और स्किन पर चोट जैसे कटना, खरोच जलना या सनबर्न की वजह से हो सकता है। अब जानते हैं इस बीमारी के घरेलू उपचारों के बारे में। नंबर 1, एलोवेरा का जूस। एलोवेरा के जेल या क्रीम को स्किन पर लगाना बहुत ही अच्छा होता है। एलोवेरा जेल और लहसुन को मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे सोरायसिस पर लगाकर कुछ देर रखें और बाद में सादे पानी से धो दें। नंबर 2, जैतून का तेल। एक कप जैतून के तेल में कुछ बूंदे कंदलौर और ऑर्गेनिक ऑयल की मिला लें। इसे सोरायसिस वाली जगह पर लगा दें। रोज दिन में 2 बार इस तेल को स्किन पर लगाएं, बहुत आराम मिलेगा। नंबर 3, खाली पेट करेले का रस पिएं। रोज करेले के जूस में नींबू का रस मिलाकर पिएं। ये सोरायसिस में रामबाण की तरीके काम करता है। नंबर 4, गेंदे का फूल। 4 कप पानी में 5-6 गेंदे के फूल को डालकर गाढ़ा होने तक उबाल लें। इसके बाद इसे ठंडा करके स्कैल्प पर लगाएं। बाद में इसे बेबी शैम्पू से धोएं। और नंबर 5, हल्दी। एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के गुणों से भरपूर हल्दी त्वचा में मौजूद बैक्टीरियल को खत्म कर देती है। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर में पानी डालकर इफेक्टेड जगह पर रात भर लगाकर पट्टी बांध लें और अगले दिन साफ करें। ऐसा रोजाना करने से सोरायसिस जड़ से खत्म हो जाता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।